दोस्तों ये अपना मिक्स दाना आप कबूतर को डालेंगे, आप देख सकते हो कबूतर कैसे मजे से खाएंगे। तो ये दिल का मिक्स दाना चला आ आ दोस्तों, आप देख सकते हो किसे चाव से खाते हैं। तो चलिए मिक्स दाना बना लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वैभव और आप देख रहे हैं वैभव पिजन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है बरसात का कबूतरों का मिक्स दाना बनाने वाले हैं। अभी जो है बरसात स्टार्ट हो चुकी है, आप मौसम देख सकते हो कितना ख़राब है। अभी जो है बारिश का सीज़न चालू है, अभी जो है थोड़ी देर पहले बारिश आकर चली गई तो छत अभी जो है सूख चुके हैं। तो सोचा आपके लिए वीडियो बना दूँ। तो फिलहाल जो है कबूतरों का दाना ख़त्म हो चुका है, तो मैं इस वीडियो में जो है 8 से 10 किलो का मिक्स दाना बनाने वाला हूँ। मेरे पास ज़्यादा कबूतर नहीं है इसलिए मैं कम बना रहा हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा कबूतर है तो इसे जो है डबल से कर देना। तो जितने ज़्यादा कबूतर है उतना, मेरे पास फ़िलहाल जो है 15 से 20 कबूतर है और एक दाना जो है मुझे 30 या 40 दिन चले जाता है, 1-1.5 महीना। अगर आपके पास ज़्यादा कबूतर है तो आप ज़्यादा बना सकते हो। अगर ज़्यादा दाना बना कर रखा तो उसे जो है कीड़े वगैरह हो जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बनाता, हर महीने बनाता हूँ, मतलब 1.5 महीने में एक बार बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बारिश के मौसम में हमें जो है कौन सा दाना कबूतरों को बेस्ट है खिलाने के लिए। तो सबसे पहले आपको इसमें लेना है, मैंने लिए है 4 किलो गेहूँ, आप देख सकते हो 4 किलो मैंने गेहूँ लिए है। और आप यहाँ पर देख सकते हो 2 किलो बाजरा। बाजरा गर्म होता है बारिश के मौसम में, जो है ठंडा मौसम रहता है, तो इसलिए मैंने बाजरा 2 किलो लिया है। अगर आप जो है किसी और मौसम में बनाते हो तो बाजरा आप 1.5 किलो या फिर 1 किलो ले सकते हो 4 किलो गेहूं में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जवार मैंने ली है 1 किलो, ज़्यादा नहीं डालूँगा, सिर्फ 1 किलो, क्योंकि गाइस कबूतर मेरे कबूतरों को ये पसंद नहीं आती, वो ज़्यादा खाते भी नहीं, इसलिए मैंने थोड़ी कम ली है 1 किलो। अगर आपके कबूतर जो है पसंद से खाते हैं जवार तो आप 2 किलो भी ले सकते हो, अन्यथा आप 1 किलो ही लेना। और मैंने 0.5 किलो ले ली है मक्का, इसमें जो है मक्का कम डालना, क्योंकि गाइस ये जो है थोड़ी सी कड़क होती है, तो कबूतर अगर इसे ज़्यादा खा लेते हैं तो उनका पोट जाम भी हो सकता है। और बारिश के मौसम में जो है धूप नहीं होती और बारिश आती रहती है, तो आप जो है मक्का कम ही यूज़ करना। तो अगली बार हम लेते हैं चने के दाल, तो मैंने 250 ग्राम ली है चने के दाल। आपको मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे कि बहुत कम ले ली, लेकिन गाइस जो है 4 किलो में 250 ग्राम बस हो जाती है मिक्स करने के बाद, जो है आपको दिखाऊंगा मैं। और यहाँ पर लिए मैंने 250 ग्राम, इसे जो है मसूर की दाल बोलते हैं या फिर लाल दाल आप बोलोगे दुकान पे जाकर, कोई इनसे भी किराना स्टोर पर लाल दाल बोलोगे तो आपको दे देगा। और आपको जो है आखिर में ले लेने हैं काले चने। तो गाइस 250 ग्राम काले चने लिए है। अगर आपको जो है कहीं से हरी दाल मिल जाती है या फिर मूंग मिल जाती है या फिर मूंग की दाल, तो आप वो 250 ग्राम ले आना और इस सब में जो है मिक्स कर देना। तो हम जो है इसमें जो है इन सबको मिक्स करेंगे, ये बड़ा वाला। तो चलिए मैं आपको मिक्स करते समय दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हम जो है सब इसमें बारी बारी से ऐड करेंगे। सबसे पहले जो है मैं गेहूँ ऐड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो इसमें गेहूँ डल रहा है, सबसे पहले गेहूँ डाल रहा, बाद में बाजरे डाल रहा हो। ये जो है 2 किलो बाजरी है, 20 रुपये किलो से मिल जाती है, 40 रुपये की आ जाएगी 2 किलो बाजरी। और 1 किलो जवार, इसमें हम जो है अब जवार डालेंगे, तो इसमें गिर रही है जवार। और अब हम इसमें डालेंगे 0.5 किलो मक्का, जो कि 8 रुपये की मिली है, 16 रुपये किलो थी, तो 8 रुपये किलो में 0.5 किलो मक्का आ जाएगी, कुछ ज़्यादा महंगी नहीं होती। अब हम डालेंगे इसमें जो है चने की दाल। चने की दाल मुझे 20 रुपये मिली है, 20 रुपये में 250 ग्राम। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैं चने की दाल भी डाल चुकी है। आप जो है काले चने मुझे गिरे हैं 13 रुपये के 250 ग्राम, तो काले चने इसमें ऐड हो गए। आप गाइस देख सकते हो हवा काफ़ी तेज़ हो रखी है और पन्ने जो है उड़कर जा रही। और आखिर में जो है इसकी दाल मसूर की दाल 250 ग्राम। तो यहाँ पर सब डल चुका है और अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो चलिए मिक्स करते हैं। तो अब हम इसे जो है मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। आपको जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लेना। तो मैं फ़िलहाल घर पर ही बना रहा हूँ, क्योंकि पास मेरे पास कम कबूतर है,
इसलिए मैं कम बना रहा हूँ। आपके पास ज़्यादा कबूतर होगे तो आप जो है इसकी क्वांटिटी बढ़ा देना। ये जो है मुझे एक से दो महीने मतलब एक से एक महीना आराम से चल जाएगा या फिर 10-12 दिन ऊपर चल जाएगा। तो आप देख सकते हो गाने का कलर जो है काफ़ी अच्छा आ गया है, इसमें सब चीज़ें दिख रही है। अब आपको मैं जो है दिखाता हूँ। आपको लग रहा होगा कि चने के दाल या फिर जो है मैंने 250-250 ग्राम डाले तो इसमें कुछ दिखेगा नहीं 4 किलो गेहूँ में, तो आप गलत सोच रहे हो। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, और कबूतर छोड़ने के बाद भी दिखाऊँगा कि कबूतर जो है मिक्स दाना कितनी अच्छी तरीके से खाते हैं। तो दोस्तों हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, तो आप देख सकते हो मैंने इसे जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। आपको मैं दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो इसमें जो है कितना अच्छा बन रहा है। आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार हाथ में लेकर, इसमें जो है सब आ गया। आप देख सकते हो मकई, चने के दाल, चने, ज्वार। अगर आपको जो है इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करने की रह गई, अगर आपको कहीं पर मूंग मिल जाए हरी मूंग तो आप वो ज़रूर से ऐड कर देना, क्योंकि गाइस कबूतर को सबसे ज़्यादा उससे से प्रोटीन मिल जाता है। तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ सारा, और कबूतर को डाल के भी दिखाने वाला होगा इस, तो वीडियो को ज़रूर से पूरा देख लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर से दबा लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी मिल सके। तो दोस्तों चलिए अब कबूतर खोलते हैं और उन्हें दाना डाल के मैं आपको दिखा दूँगा। तो आप देख सकते हो मैंने अपना ये बनाया हुआ मिक्स दाना डाल दिया है, सारे कबूतर एक साथ दाने पर टूट पड़े हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्स दाना डाल दिया है और ये अपना बच्चा। तो गाइज आप देख सकते हो कितने आसानी से, मतलब कुछ भी खर्चा नहीं है, सिर्फ 100 रुपये खर्चा आया है मुझे 10 किलो बनाने में, और गेहूँ जो है मेरे घर पर थे तो इसलिए मुझे 100 रुपये खर्चा आया। अगर आप 20 किलो मतलब घर के आपके गेहूँ नहीं है, अगर आप जो है बाहर से गेहूँ लाते हो तो 20 रुपये किलो के हिसाब से जो है गेहूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब गेहूँ और ज्वार मिलकर वो सब 200 रुपये लगेंगे 10 किलो दाने के। मतलब भाई आप सोच सकते हो 20 किलो दाना मतलब 10 किलो दाना सिर्फ 200 रुपये में। तो आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर से बताना, अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती है अगली वीडियो में। बाय बाय।